कैसे हो आप सब लोग। हम लोग मैं इस ब्लॉग को सुबह स्टार्ट किया था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला कि आप सब सब थोड़ा सा बातें कर लूँ। और हम लोग थोड़ी देर पहले बाजार गए थे और ये सारी चीज़ें लेके आई है शिवानी जी वो आपने लिए क्रिसमस ट्री और एक एट्री लेके आई है, मैं इधर रख देती हूँ। और उसके बाद और एक एट्री में लटकाने के लिए ऐसे बॉल लेके आई है, और उसके बाद स्टार लेके आई है, और एक चेन इस तरह का, ये मेरी पसंद की है, मैंने इसे लिया है उस ट्री में लगाने के लिए। फिर उसके बाद लिया है एक एक टोपी, सेंटा की टोपी, ठीक है, इस तरह का एक टोपी लिया है। सो और एक शू भी लिया है हम लोगों ने उसके लिए, स्कूल का जो शू है वो लिया है, इस तरह का ब्लैक कलर की शू है वो लिया है। कल उसका रिजल्ट आने वाला है तो उसके बाद तो स्कूल जाएगी, उसे पहन के पुराना वाला जो शू था वो पुराना वाला जो शू था वो छोटा हो गया है। और मैं अपने लिए लिया है एक टोपी, इस तरह का एक टोपी लिया है, कैसा है इस तरह का एक टोपी लिया है। सो गाइस कैसा लगा आपको सारे जो हम लोगों ने खरीदा है, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। इसमें से कौन सा वाला बहुत ज्यादा बेटर है वो भी बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताते। और मेरे हेयर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, मैं टोपी पहन लिया था अभी मैं बाहर गई थी तो बाहर भी मैं टोपी पहन के गई थी, इसलिए मेरे हेयर इधर से उधर उधर रखा है। सो गाइस वो अभी बैठ के एखन ना एखन तो ही करबो ना পরে তৈরি করব এখন রেখে দাও একটা ঝুলি আছে সব না রেখে দাও। সো গাইস আজ अभी हम लोग चेंज करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी आप सबके साथ बातें करने की। और हम लोगों ने इस तरह से तैयारी स्टार्ट कर दी है, आप लोगों का क्या जो कंडीशन है वो मुझे ज़रूर बताइए। आप लोग किस तरह से क्रिसमस को एंजॉय करते हो, किस तरह से क्रिसमस के लिए तैयारी करते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जिस तरह से आप सबके साथ शेयर करती हूँ अगर आप उसी तरह से मेरे साथ भी शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वो क्या कर रही है मैं दिखाती हूँ, ये तो तब तक नहीं करो।
कल जो है हम लोग उस ट्री को अच्छी तरह से सजाएंगे और उसके बाद आपको भी दिखाएंगे कि हम लोग किस तरह से उसे सजाया है। सो अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अभी थोड़ा सा रेस्ट लूँगी क्योंकि मैं अभी बाहर से आई हूँ और मैं आज थोड़ा सा मेकअप भी किया है, थोड़ा सा काजल लगाया है और थोड़ा सा सीसी क्रीम भी लगाया है अपने चेहरे पे। तो मैं इन सबको मेकअप को उतारूँगी, उसके बाद मैं डिनर करूँगी। हम लोग डिनर खाएंगे, अभी ज़्यादा रात नहीं है, अभी शायद 8 PM हो रखा है। तो उसके बाद थोड़ा सा देर बाद हम लोग डिनर करेंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। सो गाइस मैं मिलती हूँ आपको थोड़ा सा देर के बाद, अब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल रात को ही आप सबके साथ बातें की थी, उसके बाद मैं अभी बातें कर रही हूँ। अभी सुबह के हो रहा है 11 AM और आज मेरी बेटी का जो रिजल्ट है वो आने वाली है। सो अभी हम लोग जाएंगे स्कूल और मैं अभी तैयार होंगी और तैयार होके हम दोनों स्कूल जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरी बेटी ने जो क्रिसमस ट्री हम लोग ने ख़रीदा था उसको इतने अच्छी तरह से सजाया है, वो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख क्रिसमस ट्री। सो आप लोगों ने भी ऐसा किया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स भी, लो मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कल है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, बेटा नहीं बोल ना, बोलो बोल बेटा, आ बोलो, हेलो एवरीवन, तो नाम की बोलो बोलो शिवांगी आज के रिजल्ट। तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ थोड़ा सा देर के बाद। हे गाइस मैं स्कूल से आ गई हूँ और स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा सा कुछ खाया है और मैं अभी भी अपनी स्किन को जो है क्लियर नहीं किया है, क्लीन नहीं किया है। मैं अभी जाऊँगी स्किन को क्लीन करने के लिए और मैं आज एक नया चीज़ ट्राई करूँगी, नया प्रोडक्ट ट्राई करूँगी क्लीन स्किन को क्लीन करने के लिए। और मैं अभी आ चुकी हूँ स्कूल से, मेरी बेटी का आज जो रिज़ल्ट था मैं आपके साथ शायद को मैंने बोला था कि आज मेरी बेटी का रिज़ल्ट है, वो अभी अपर क्लास में पढ़ती है, अभी वो जाएगी प्रिपरेटरी में, देन क्लास वन अगले साल, इस साल नहीं इस साल प्रिपरेटरी में वो अभी पढ़ाई करेगी। तो उसका रिज़ल्ट आ गया है, मैं लेके आ गई थी और उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ खाया पिया, फिर मैं टीवी देखने बैठ गई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा मैं अभी टीवी देखते देखते सोच रही थी कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लूँ। सो गाइस मैं इस व्लॉग को यही पे एंड करूँगी, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। अब मेरी बेटी जो हुई है वो फर्स्ट पोजीशन पे आई है, जी हाँ, वो छोटी सी बच्ची है, अभी से मैं नहीं बोल सकती कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, लेकिन वो आई है फर्स्ट पोजीशन में। उसकी क्लास में 35 स्टूडेंट है कुल मिला के, सो वो फर्स्ट पोजीशन पे आई है। सो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। उसको केक, वो केक खाना चाहती है तो मैं केक बना के खिलाऊंगी उसे। सो आज मैं केक नहीं बनाऊंगी, मैं कल बनाऊंगी। कल 25 December है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और वो भी फर्स्ट पोजीशन पे आई है, इसलिए मैं कल केक बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, बहुत सारे कुछ बनाऊंगी, आज नहीं बनाऊंगी। और आज मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी और मैं आज कुछ एक नया ट्राई करने वाली हूँ अपनी स्किन के लिए, अगर सक्सेसफुल होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और मेरा हाथ दुख रहा है, ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस तरह से लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ आप सबके लिए। सो गाइस अभी के लिए बाय बाय।